नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। हमने काफ़ी नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो ऑलरेडी कवर करी हैं। इन सारों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप चाहें तो देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम एक और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज को कवर करेंगे, एक्सरसाइज पिच ब्लैक। हम देखेंगे कि इसको होस्ट कौन करता है, कब से इसकी स्टार्टिंग हुई, इंडिया ने इसको कब से ज्वाइन किया और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है ये डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। देखिए, एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2022 में 19 अगस्त 2022 से लेकर तो 8 सितंबर 2022 तक चलेगी। ये एक बाईएनियल एक्सरसाइज है। बाईएनियल एक्सरसाइज का मतलब होता है दो साल में एक बार होने वाली ये एक्सरसाइज है। दो साल में एक बार कोई चीज़ जो होती है उसको बाईएनियल बोला जाता है। इसके साथ साथ ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, यानी कि इसमें मल्टीनेशन एक दो नहीं दो से ज़्यादा कंट्रीज जो हैं वो इसमें पार्ट लेती हैं, तो ये बन गया मल्टीनेशनल एक्सरसाइज। और इसको होस्ट कौन करता है, रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स, जिसको कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म जिसकी है राफ। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि इसे होस्ट करता है ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया की जो एयरफोर्स है वो इसको होस्ट करती है, रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स। अब देखिए, 2500 से ज़्यादा पर्सनल जो हैं 17 से ज़्यादा देशों के वो इसमें पार्ट लेते हैं। 100 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट, या लगभग 100 एयरक्राफ्ट जो हैं वो इसमें हिस्सा लेते हैं। ये जो एक्सरसाइज है ये बोथ ऑफेंसिव काउंटर एयर और इसके साथ साथ डिफेंसिव काउंटर एयर जो कॉम्बैट ड्रिल्स हैं उसमें इंगेज होती है। ऑफेंसिव का मतलब हुआ कि आपने किसी के ऊपर हमला करना है, डिफेंसिव का मतलब हुआ कि आपके ऊपर किसी ने हमला किया है, आपने उसको डिफेंड करना है, अपने देश अपनी टेरिटरी को डिफेंड करना है। तो ये बोथ ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों ही जो काउंटर एयर कॉम्बैट ड्रिल्स हैं उसमें ये इंगेज होती है, ताकि जो जितने भी कंट्रीज उसमें पार्ट ले रही हैं उनके जो एयरफोर्स है वो हर प्रकार का जो सिचुएशन अगर उनके सामने निकल कर आती है उसको चैलेंजेस को फेस करने के लिए, सिचुएशन को सही मायने में टैकल करने के लिए वो सक्षम बने। अब ऑस्ट्रेलिया जैसे मैंने कहा कि होस्ट कंट्री है, इसके अलावा बाकी कंट्रीज इसको अटेंड करती हैं, जिसमें हमारा प्यारा भारत भी आता है। भारत के अलावा और जो देश हैं वो है जर्मनी, फ्रांस, यूएई, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, यूएस, मलेशिया, सिंगापुर, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, यूके, फिलीपींस, थाईलैंड, कनाडा एंड नीदरलैंड्स। तो ये सारे के सारे देश हैं। एक आइडिया आपको होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये देश बताए। आपको इन देशों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने ये याद रखना है कि इसको होस्ट कौन करता है, ऑस्ट्रेलिया, और इसमें इंडिया भी पार्ट ले रहा है। इंडिया बेसिकली 2018 से पार्ट ले रहा है, इसको हम आगे देखेंगे, लेकिन आपने ये ईयर भी याद रखना है। अब देखो, इसका जो लास्ट एडिशन था ये 2018 में हुआ था, और अभी ये एडिशन जो है ये 2022 में हो रहा है। अब मैंने आपको बताया कि ये जो पिच ब्लैक है ये कौन सी एक्सरसाइज है, ये बाईएनियल एक्सरसाइज है, यानी कि दो साल में एक बार होती है। तो बाय दिस लॉजिक 2018 के बाद ये 2020 में होनी चाहिए थी, और उसके बाद फिर अभी 2022 में होनी चाहिए थी, तो ये 2020 में नहीं हुई। इसका कारण था कोविड-19। तो जैसा आप सब जानते हैं कि 19 के दिसंबर में ये चीज़ें खबरें पता चलने लगी, और 2020 में तो फिर लॉकडाउन शुरू हो गए, है ना। तो उसके बाद फिर कोरोना जो है वो पूरा एक मतलब विस्तार से जो है वो उसको टैकल करने के लिए जो है वो कदम जो है पूरी दुनिया उठाने लगी, और उसके बाद कई केसेस भी आए। उसी के बाद ही हमने फर्स्ट वेव और सेकंड वेव हमने देखने को मिली थी, और इंडिया में भी फिर आप जानते हैं कि 21-22 मार्च को जो है वो आके लॉकडाउन लगा था। तो ये कारण था कि 2020 में ये एक्सरसाइज नहीं हुई, तो 18 में इसका लास्ट एडिशन था, और अभी 2022 में ये हो रही है। अब देखो, इस साल का जो एक्सरसाइज है इसमें आपको लगभग 100 एयरक्राफ्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। 100 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट जो है इंडियन एयरफोर्स या बाकी जितने भी एयरफोर्सेज हैं अलग अलग देशों के, उनके देखने को मिलेंगे। 2500 मिलिट्री पर्सनल लगभग हमें अलग अलग एयरफोर्सेज जो हैं उनके देखने को इस एक्सरसाइज में मिलेंगे। अब जैसे मैंने कहा कि इसको कंडक्ट किया जाता है रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स, जिसको हमने कहा RAAF राफ, इसके द्वारा। लेकिन कहाँ पे, तो देखिए, राफ का यानी रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स का ब्रैडशॉ फील्ड ट्रेनिंग एरिया और डेलमर एयर वेपन्स रेंज, जिसको दुनिया का लार्जेस्ट ट्रेनिंग एयर स्पेस भी कहा जाता है, वहाँ पर ये होस्ट किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के द्वारा। तो स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इन जगहों को याद रखना चाहें तो रख लें, लार्जेस्ट ट्रेनिंग एयर स्पेस है दुनिया का। अब इसकी शुरुआत कब से हुई, देखिए, सबसे पहले 1980 के दशक से ऑस्ट्रेलिया जो है वो नॉर्दर्न टेरिटरी में RAAF की अलग अलग यूनिट्स के साथ इस एक्सरसाइज को करने लगा।
यानी कि सारे देशों के साथ नहीं, अपने ही आरएएफ की अलग अलग जो यूनिट्स हैं उन सारों के साथ मिलकर ये एक्सरसाइज करने लगा। फिर धीरे धीरे इसने इंटरनेशनल पार्टनर्स को यानी दुनिया के बाकी देशों को इन्वाइट करना शुरू किया, क्यों, ताकि हम नए डॉक्ट्रिन्स को प्रैक्टिस कर सकें, कॉम्बैट और जो इंटर ऑपरेबिलिटी है अलग अलग एयर फोर्सेस की, उसको जो सबसे इम्पोर्टेंट मानी जाती है उसको इन्हेंस कर सकें, उसको बढ़ा सकें। कैसे हम नई नई डॉक्ट्रिन्स बनाएं, कैसे हम कॉम्बैट ऑपरेशंस को एक दूसरे के साथ करके और ज़्यादा सशक्त बनाएं। जैसे मान लीजिए कि एक्स कंट्री के पास कुछ स्किल्स हैं तो वाई कंट्री को वो प्रोवाइड करे, वाई कंट्री के पास कुछ स्किल्स हैं तो एक्स को प्रोवाइड करे, ऐसे जैसे सारे एयरफोर्स एक दूसरे से सीखें ताकि कॉम्बैट जो हमारे ऑपरेशनल स्किल्स हैं वो हमारी इम्प्रूव हो सकें। इसके साथ साथ इंटर ऑपरेबिलिटी के ऊपर भी अच्छे से काम किया जा सके कि कैसे एक दूसरे के साथ संयम बना के हमने किसी भी परिस्थिति से लड़ना है। अगर हम भारत की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि 2018 में आके भारत ने सबसे पहले पार्टिसिपेट किया था एक्सरसाइज पिच ब्लैक में, तो ये ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इस ईयर को याद रखिएगा। ये था इस टॉपिक का एनालिसिस। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको हमारे हर करंट अफेयर वीडियो की पीडीएफ तो मिलेगी, इसके साथ साथ आपको करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के काफ़ी रिलेटेड जो जीके बुलेट पॉइंट्स हैं वो भी आपको हर रोज़ मैं शेयर करता हूं, तो वहां पर भी आपको वो चीज़ें मिलेंगी। तो अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसे जीके वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।